ये जो टीवी में एंकर कहते हैं पंजाब में सब महाजिर हो गए, ये कराची वाले आज भी वहां सब पंजाबी हो गए, कराची वाले आज भी महाजिर बने बैठे हैं, इनको बोलेंगे। और मालकान के जूते साफ करने वाले नौकरों, पहले हकीकत तो देखो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो आज मैं बताता हूँ, जब मेरा बाप दादा वहां से हिजरत करके चला तो जमीन वहां छोड़ के आया, जो हिंदू यहाँ जमीन छोड़ के गया उसने वहां जाके जमीन ली, जो हिंदू यहाँ पैसे छोड़ के गया उसने मेरे बाप दादा का इंडिया में जाके पैसा लिया, जिसने देवरात यहाँ छोड़े उसे इंडिया में जाके देवरात लिए। लेकिन जब मेरे बाप दादा इधर आए वो रसीदे लेके तुमने उनको उनके हिस्से के देवरात दिए, ना सबूतें दी, ना जायदाद दी, ना पैसा दिया। एक मंगे आए थे और जाके देखो पाकिस्तान का पहला बजट राजा साहब महमूदाबाद ने दिया था, तुम्हारे दुर्मुखिया ट्रेन के दरिया में नहा रहे थे। ये मकरू का सिंध का असल मुकदमा, 70% सिंध की जायदाद का मालिक पानिया ने पाकिस्तान की औलादे हैं। मैं तमाम वजीरों को चैलेंज करता हूँ, आज राजना करते हैं तुम जीते हम सिंधू बन जाएंगे, नहीं तो हमें हमारा हक दे दो, हम आज उस तरह पाकिस्तानी बन जाएंगे जिस तरह पंजाब ने हक दिया और वो पाकिस्तानी बन गए। ये है मुकदमा, ये लड़ना चाहिए था। 20-25 साल के इकतदार में जो लोग अपने कौम का मुकदमा ही नहीं लड़ सके वो आपको क्या हक इंसाफ दिलाएंगे? इन एंकरों को मैं बताऊं, खबरदार, ये महाजिर एक सेकंड के अंदर पाकिस्तानी बन जाएंगे, तुम इनको मतरूका चिन्ह के तहत इनका हक दे दो, अभी बन जाएंगे। पंजाब का ही सूबा था जिसने एक एक महाजिर को वो तमाम हकूक दिए, जो पैसा बनता था वो पैसा दिया, जो जमीन बनती थी वो जमीन दी, जो जायदाद बनती थी वो जायदाद दी, जो जेवरात बनते थे वो जेवरात दिए, उन्होंने पंजाबी कल्चर अपनाया वो सब पंजाबी बन गए।